नरेंद्र मोदी पहुंचे लखनऊ, न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ, 75 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। आप नेता ने ट्विटर पर ट्वीट किया किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाला वीडियो, बीजेपी सरकार पर कसा तंज, कहा अहंकार में चोर बूंदे ने किसानों को गाड़ी से रौंदा। मोदी सरकार ने की बड़ी पहल, दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वालों को मिलेंगे 5,000 रुपए, 15 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी होगी योजना। महंगाई ने तोड़ी लोगों की कमर, सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में किया इजाफा, पेट्रोल और डीजल के बढ़ाए दाम। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में विपक्ष लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर हमलावर है। लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में ली गई प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। प्रियंका गांधी इसके साथ ही उन्होंने हिंसा से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा, नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी ऑर्डर और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटे से हिरासत में रखा है। अन्नदाता को कुचल देने वाला ये व्यक्ति अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। प्रियंका गांधी की हिरासत के खिलाफ आज बता दें पूरा कांग्रेस देश उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहा है, और ऐसे में प्रियंका गांधी को रविवार को लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिया गया था। प्रियंका गांधी की हिरासत को 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, और इसीलिए लगातार प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी जुड़ी हुई हैं। रूबी, जिस तरह से प्रियंका गांधी को परसों रात ही हिरासत में लिया गया था और अब तक उन्हें छोड़ा नहीं गया है, लगातार प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर रही हैं, सरकार को घेर रही हैं, राहुल गांधी की तरफ से भी ट्वीट किया जा रहा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भी प्रदर्शन है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? पारुल, देखिए, प्रियंका गांधी ने पहले संकेत दिए थे कि जब तक इनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा तब तक वो इस जगह को यहाँ से छोड़ेंगे नहीं, यानी कि उनको नजरबंद जरूर किया गया था, और लेकिन अब वो तब तक वहाँ पे रहेंगी जब तक वो लखीमपुर के जो भागते हैं, जिन परिवारों ने अपने हिस्से को खोए हैं, उनको उनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। और खासतौर से लखनऊ से जितने भी इनके कांग्रेसी जो समर्थक थे, सारे लोग रात ही रात यहाँ से निकल चुके थे और पहुंच चुके हैं इस टाइम जहाँ पे प्रियंका गांधी को रखा गया है, और लखनऊ कांग्रेस ऑफिस के आसपास के जितने कार्यकर्ता हैं उसका भी जमावड़ा लगना अब शुरू हो चुका है। और वहीं अगर हम लखीमपुर की बात करते हैं तो लखीमपुर में भी कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, और अब सोशल मीडिया के जरिए भी प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो लगातार योगी सरकार पे हमला बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कल भी उन्होंने ये कहा था जब तक योगी सरकार के तरफ से उनको इस तरीके से नजरबंद करके रखा गया है वो ही तेजी से इस लड़ाई को अंजाम देंगे, यानी कि उस परिवार से मिल कहीं लौटेंगे, वरना वो यहीं पे अभी तक बनी रहेंगी। बिल्कुल रूबी, और आज इसीलिए पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्या प्रदर्शन शुरू हो चुका है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रही हैं? पारुल, रात में भी मेरी कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सारे लोग लखनऊ के साथ ही साथ लखीमपुर हो या फिर सीतापुर हो जहाँ पे प्रियंका गांधी को रखा गया है, उन सभी जगहों पे कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सड़कों पे ही प्रदर्शन करेंगे, यानी कि सड़कों पे ही अपने जो नेता है उनके लिए वो पूरी तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए उतर चुके होंगे। अब रही बात सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या समर्थक हो सारे लोग जुटना शुरू हो चुके, कांग्रेस कार्यालय हो या फिर सीतापुर कार्यालय हो या सीतापुर में जहां पे प्रियंका गांधी को रखा गया या लखीमपुर हो, उन सभी जगहों पे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे दिखना शुरू हो चुके हैं और प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर चुके हैं। और इस तरीके से जो कांग्रेस के जो बाकी कार्यकर्ता है
वो बाहर गेट पे खड़े हुए लगातार, यानी कि प्रियंका गांधी की झलक देखने के लिए भी परेशान है कि अंदर प्रियंका गांधी ठीक है, उनसे बातचीत एक बार हो पाए। पुलिस के लिए भी काफी मुश्किलों का समय ये हो चुका है क्योंकि पुलिस लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से कल लखनऊ से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, आज भी इसी तरह की तस्वीरें और जगह से सामने आ सकती है। बिल्कुल पारू, कह सकते हैं क्योंकि जो मसला है उसका देखा जाए तो अभी हल नहीं निकला है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने बोला ही यही इसी बात को लेकर, जब तक वो यहाँ पे टिकी रहेंगी जब तक उनको मिलने नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि ये अभी आज दूसरा दिन है, इससे ज्यादा भी दिन बढ़ सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे क्योंकि जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आज लखनऊ में पीएम का भी दौरा है और ऐसे में योगी सरकार के लिए काफी बहुत ही समय जो है टफ देखने को मिल रहा है, क्योंकि योगी सरकार पूरी तरीके से जाल बिछा चुके हैं शासन को लेकर, चाहे डीजीपी हो आला कमान को पहुंचा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं योगी सरकार के लिए बिल्कुल एक संकट का समय बिल्कुल बन चुका है। ऐसे में जो विपक्ष है वो मौका नहीं देना चाहती है सरकार को उसके लिए कहीं से भी कोई रास्ता आसान बनाने के लिए। ठीक है रूबी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रियंका गांधी को परसों रात से ही हिरासत में लिया हुआ है और उसके बाद से प्रियंका गांधी लगातार ट्वीट कर रही है और ऐसे में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है जिसको लेकर सरकार को भी निशाने पर लिया जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लखीमपुर जाने की कोशिश प्रियंका गांधी कर रही थी रविवार रात को ही, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है और ऐसे में लगातार वो यही कह रही हैं जब तक परिवार से जाकर वो नहीं मिल लेती तब तक वो इसी तरह से लखीमपुर जाने की कोशिश करती रहेंगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले घटने के बाद एक बार फिर से बढ़े हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,346 नए मामले सामने आए, वहीं 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। बड़ी बात यह है कि देश में 209 दिनों के बाद आज सबसे कम केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 29,600 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,52,902 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,38,53,048 मामले आ चुके हैं, जिनमें अब तक कोरोना से 4,49,260 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में देश में अब तक 3,31,50,886 लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कल 29,639 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 2,52,902 हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना के 3,48,00,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिनमें से अब तक कोरोना से 4,49,260 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अब तक 3,31,50,886 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 91 करोड़ के पार हो चुका है। कल कोरोना वायरस वैक्सीन की 72,51,419 डोज दी गई, जिसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 91,54,65,000 पर पहुंच चुका है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 11,41,642 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिसके बाद कल तक कुल 50 करोड़ से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। बता दें कि देश के सभी राज्यों की तुलना में दक्षिण राज्य केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,850 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 139 से ज्यादा लोगों की जान गई, जिसके बाद से ही राज्य में अब तक 25,526 लोगों की जान जा चुकी है। साथ ही यहाँ पर संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 47,00,000 से पार हो चुकी है। वहीं राज्य में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 1,00,000 के ऊपर ही बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपहार स्वरूप दिए गए प्रतिष्ठित और यादगार उपहारों की ई नीलामी का तीसरा दौर चल रहा है। यह आयोजन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर 2021 तक वेब पोर्टल www.pmmentos.gov.in के जरिए किया जा रहा है। बता दें नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नमामि गंगे के जरिए देश की जीवन रेखा पवित्र नदी गंगा के संरक्षण के लिए उन्हें मिलने वाले सभी उपहारों को नीलाम करने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने गंगा नदी को देश की सांस्कृतिक महिमा और आस्था के प्रतीक के रूप में
वर्णित किया है। उत्तराखंड के गोमुख में नदी के उद्गम स्थल से लेकर पश्चिम बंगाल में समुद्र में विलय होने तक इस शक्तिशाली और पवित्र नदी ने देश की आधी आबादी के जीवन को समृद्ध किया है और इस दौर में 1348 स्मृति चिन्हों की ई नीलामी की जा रही है। बता दें स्मृति चिन्ह में टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेलों और टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों के विजेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को उपहार में दिए गए उपकरण भी शामिल हैं। वहीं स्मृति चिन्ह में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में प्रदर्शित है। जब तक बता दें वहां पर 1083 मदों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं और ऐसे में आइटम G1656 की 2500 रुपए के साथ नीलामी शुरू हुई। नीलामी के दौरान इस आइटम का मूल्य 1 लाख से ज्यादा तक गया है और 52 बोलियां उस पर लगी हैं। हरदोई के कछौना नगर पंचायत में सफाई कर्मचारियों ने प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाकर सुबह से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सफाई कर्मियों का आरोप है कि बिना कारण बताए उन्हें काम से हटा दिया जाता है और जब वो लोग वजह पूछते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है और साथ ही अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि जब मामले की जानकारी ईओ से ली जाती है तो ठेकेदार के पास और ठेकेदार ईओ के पास दौड़ाते हैं और उनकी कोई नहीं सुनवाई होती है। बताया गया हम तो ड्यूटी काम करते हैं, हम तो गाड़ी गलौ से 125 लोग बतमीन जैसे पैसा होते हैं और उनका मेम्बर का नाम है लाला बिनेश। हम कल सफाई का कार्य कर रहे थे, हमसे गाली गलौज उन्होंने दिया, कहेगा जाओ काम भाग जाओ थोड़े के काम, हम बाहर से लेबर मंगा लेंगे। मगर मेम्बर चला हमारा ईओ ने कहा था, मगर मेम्बर ने क्यों ये बात कही है? कल मेरे सामने कही थी, मैं डंपिंग भरने गए थे, मैंने झाड़ू पड़ुआ पटक दिया, हमने कहा हमको नया कार्य करना है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। एक बार हमारा मैटर हुआ था, FIR भी थी, मैडम ने FIR भी की थी और पुलिस उनकारी नहीं हमारे पास करने गई वहाँ पे। यहाँ पे ये है कि जो नए आदमी एक एक करके दो दो करके निकाल दिए जाते हैं, दोबारा कोई गिनती करो तो लगाए नहीं जाते हैं और आज लगा लेंगे कल लगा लेंगे नहीं लगाए जाते हैं। और फिर उसके बाद में ठेकेदार से बात करो तो कहता मैडम से बात करो, मैडम से बात करो तो वो कहते ठेकेदार, हमारा अधिकार किसके है बात करने का ये हमें बताया जाए। और फिर नगर पंचायत में हमें घुसने का अधिकार नहीं है क्या है? हमें समाज में बैठने का हक नहीं है क्या? भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन मान्यता दे सकता है। बता दें भारत में विकसित कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन इस पर आज कोई फैसला आ सकता है। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों के पैनल की आज बैठक होने जा रही है जिसमें भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने पर फैसला किया जा सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महीने भारत बायोटेक की ओर से सौंपे गए डॉक्यूमेंट्स में की समीक्षा के बाद कोवैक्सीन को मंजूरी देने में अब देर नहीं होनी चाहिए। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब तक दुनिया की 6 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। इसमें फाइजर बायोटेक वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, मॉडर्ना, सिनोफार्म और सिनोवॉक वैक्सीन भी शामिल हैं। इसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन पहले से ही शामिल है जिसको भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से मैन्युफैक्चर कर रहा है जिसका टीकाकरण कार्यक्रम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच भारतीय बाजारों की भी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। मंगलवार को BSE सेंसेक्स का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 65.29 अंक फिसलकर करीब 60,000 के लेवल पर कारोबार कर रहा है और इसके अलावा NSE का प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 12.15 अंक गिरकर 17,000 से ज्यादा के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 91 अंकों की गिरावट के साथ 37,487 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में ग्लोबल मार्केट की बात करें तो एशियाई, अमेरिकी और यूरोपीय सभी बाजारों में बिक वाली देखने को मिली है। कल के कारोबार के बाद डाउ जोन्स में 223 अंक और नेटडेक्स में 311 अंकों के गिरावट के साथ बंद हुए थे। इसके अलावा एशियाई बाजारों की बात करें तो हैंगसेंग और शंघाई
कंपोजिट में हल्की बढ़त रही है और इसके अलावा ताइवान, कॉप्सी और निके इंडेक्स में गिरावट रही थी। वहीं बीएससी के टॉप 30 शेयर्स की बात करें तो 13 स्टॉक्स में तेजी थी। इसके अलावा 17 शेयर्स में गिरावट के साथ कारोबार चल रहा है। आज के कारोबार में मारुति टॉप पर है, लेकिन मारुति का स्टॉक आज 1.07% की तेजी के साथ 7,255 रुपए प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा इस लिस्ट में हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो और ऐसे में रिलायंस, HDFC, ITC, NTPC, HDFC बैंक सभी में अच्छी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। इसके अलावा बिकवाली वाले शेयर्स की लिस्ट देखें तो आज के शुरुआती कारोबार में टेक महिंद्रा 1.10% की गिरावट के साथ 1383 रुपये प्रति शेयर के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा रेड्डी और TCS, इंफोसिस, SCL टेक, ICICI बैंक और टाइटन, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस सभी में गिरावट हावी है। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सभी 8 आरोपियों के घरों की तलाशी भी ले सकती है। हालांकि इस बारे की ओर से चर्चा नहीं की गई है और ऐसे में ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी की स्थिति में कानून में हर आरोपी के घर की तलाशी का प्रावधान भी है। वहीं NCB चीफ SN प्रधान के मुताबिक एजेंसी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर ऐसी रेप और नाइट पार्टी के आयोजकों से लेकर ड्रग पेडलर्स के ठिकानों तक हर उस जगह को तलाशी किया जा रहा है जहां से उसे पुख्ता सबूत मिल सकते हैं। वहीं दूसरी ओर NCB के अधिकारी आर्यन खान के अलावा दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली मुनमुन धमेजा और नुपुर सारिका समेत उन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है जिनका देश की राजधानी दिल्ली से सीधा कनेक्शन है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही NCB लगातार सुर्खियों में है और माया नगरी के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें इस बीच NDPS एक्ट की बात करें तो सरकार और कानून से मिली शक्तियों के मुताबिक अवैध तरीके से ड्रग्स रखने के मामले में कई तरह की कार्रवाई की जा सकती है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक अस्पताल में परिजनों ने 7 साल के मासूम को गलत इंजेक्शन लगाकर मारने का आरोप लगाया है। बता दें 7 साल के मासूम के पेट में दर्द होने के चलते परिजन उसे डॉक्टर विकास तोमर नाम के प्राइवेट अस्पताल में लेकर पहुंचे थे और उसे भर्ती कराया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की पल्स और हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी और पेट में दर्द भी नहीं था। हॉस्पिटल में एक ही स्टाफ की तरफ से बच्चे को इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे की कुछ ही देर में मृत्यु हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया। सर, बच्चे की मृत्यु मेरे यहाँ नहीं हुई है। मेरे यहाँ बच्चा रात को 10-11 बजे आया था। बच्चा काफ़ी सीवियरली डिहाइड्रेटेड, पानी कमी और उल्टियों के साथ आया था। उसका उपचार किया गया। उपचार के बाद भी सुबह को तबीयत में सुधार नहीं हुआ, ठीक है, और उसके बाद बच्चे को म्यूचुअल उससे रेफर कर दिया गया। सर, ऐसा कोई इंजेक्शन नॉर्मली होता नहीं कि हम गलत इंजेक्शन क्यों लगाएंगे, और सब कुछ मेरी सुपरविजन में लगता है। ऐसा नहीं कि कोई अलग से लगाएगा, मेरी बिना आज्ञा के, बिना उसके कोई नहीं लगता है। सर, मेरे जो वो हैं, मैं जितना भी काम करता हूँ मैं अपनी सुपरविजन में ही करता हूँ, मैं स्टाफ पे नहीं छोड़ता। परिजनों का एक आरोप भी है कि बच्चे की मृत्यु के बाद आप लोगों ने खुद ही एम्बुलेंस बुलाई और उसमें जो है बच्चे को आप लोग जो है भी भिजवा रहे थे। सर, ऐसा कैसे होगा कि हम बिना उसके किसी को भी भिजवा देंगे? ये आरोप नहीं, वही कह रहे हैं सर, ऐसा कैसे होगा? बस वो सुबह ही पूरी रात उन्होंने बोतलें चढ़ाई, फिर सुबह ही इसका मैंने ऑक्सीजन लेवल चेक करवाया, हार्ट बीट चेक करवाई, सब कुछ नॉर्मल था। फिर उसके बाद इन्होंने 5 मिनट बाद ही एक इंजेक्शन लगाया, वो इंजेक्शन लगाने दो, और इसने 2 बार हिच किया ली, तिवारी से सांस नहीं लिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष है। कहाँ के रहने वाले हो?
वहीं गोरखपुर नगर निगम के अंतर्गत सम्मिलित हुए रानी बाग बड़को गोरखपुर न्यू कॉलोनी में भीषण जलजमाव का ठोस प्रबंध करवाने के संदर्भ में मोहल्लेवासी नगर निगम के गेट पर प्रदर्शन कर नगर आयुक्त से तत्काल जलजमाव, गंदे पानी का जमाव से कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं जिसकी शिकायत करने पहुंचे। वहीं इसकी जमीनी हकीकत से अवगत कराने के लिए अगर आयुक्त से आग्रह किया गया कि वहां पर समस्या को दूर किया जाए जिससे कॉलोनी वासियों को तत्काल राहत मिल सके और जलजमाव जो हो रहा है उसे भी वहां से सही किया जाए। सरकारी तेल कंपनियों ने मंगलवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। बता दें देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऐसे में राजधानी में एक लीटर पेट्रोल के भाव में 25 पैसे और डीजल की कीमतों में 30 पैसे का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 102.64 रुपये प्रति लीटर हो चुका है जबकि डीजल का भाव 91.09 रुपये प्रति लीटर पहुँच गया है। वहीं सोमवार को कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया था। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि सोमवार को कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को जरूर मिली थी लेकिन ब्रेंट क्रूड का भाव 0.13% घटकर करीब $80 प्रति बैरल पर पहुंच गया था। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस की स्वाट टीम को बड़ी सफलता मिली है जहां पर पुलिस ने 48 घंटे में किसान व्यापारी की हत्या का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने दो छात्र अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से दो अवैध तमंचों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बदमाश व्यापारी की दुकान पर सिगरेट लेने के लिए पहुंचे थे तभी सिगरेट न देने पर नाराज बदमाशों ने बुजुर्ग व्यापारी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। देखिए 2 तारीख को थाना संग्रामपुर में गांव नैना बर्थली में सूचना प्राप्त हुई थी कि राम कुमार यादव जी की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में थाना संग्रामपुर के अभियुक्त पंजीकृत किया गया था। एसपी साहब के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। आज थाना संग्रामपुर पुलिस और एसओजी द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, एक का नाम है संदीप, दूसरे का नाम है अमन सरोज। अभियुक्तों से पूछताछ में बताया कि अभियुक्त लोग उनके दुकान के आसपास शराब पी रहे थे। शराब पीने के बाद उन्हें सिगरेट की आवश्यकता महसूस हुई तो वो रात को राम कुमार जी के दुकान पर सिगरेट मांगने गए। सिगरेट मांग ना देने के विवाद के कारण हाथापाई हुई और इन लोगों ने उनका गला दबाकर मार दिया। इस संबंध में अमन सरोज का आपराधिक इतिहास भी मिला है। अमन सरोज पहले भी फरवरी माह में थाना संग्रामपुर से ही जेल गए थे। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। दोनों अभियुक्तों के पास से 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर की बरामद हुई है। बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र में उर्स के दौरान कुछ जायरीनों ने रूट डायवर्जन को लेकर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। रूट डायवर्जन के चलते नाराज जायरीनों ने पुलिस पर अचानक पथराव कर दिया और पथराव की स्थिति को देखकर जवाब में पुलिस ने भी जायरीनों पर काबू पाने के लिए लाठियां चलाई। बता दें श्यामगंज चौराहे पर ओवरब्रिज के पास जायरीनों ने देखते ही बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। उर्स में जायरीनों के जाने के लिए और शहर की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए रूट डायवर्ट किया गया था। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से स्पेशल रूट डायवर्जन किया गया था लेकिन जायरीन फिर भी नहीं माने और श्यामतगंज से निकलने की जबरदस्ती करने लगे जिसके बाद पुलिस की तरफ से कई बार जायरीनों को मनाने की कोशिश की लेकिन गुस्साए जायरीनों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इस्लामिया ग्राउंड और सिविलगंज मथुरा पर जाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहे थे जिन्हें समझा बुझा के अलग अलग रूट पे डाइवर्ट कर दिया गया। फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है। तो पथराव भी हुआ था, पुलिस ने पथराव किया था, क्या हल्का बल प्रयोग और थोड़ा प्रेरणा पड़ा है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिर क्या क्या ये नौबत क्यों आई थी, क्या वजह रही? कुछ पथराव किया, कुछ लोग थे उसमें थोड़े एक्साइट हो रहे थे, उन्हें समझा दिया गया और वो वापस अपने अपने घर या अपनी घर के पास जो मस्जिद है वहाँ पे खुल पड़ रहे हैं। अभी शांति बनी है।
फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर क्षेत्र में पुलिस की तरफ से लुटेरों और चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस से मुखबिर की सूचना पर अलग अलग जगहों से 36 चोरी की बाइक के साथ 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 12 चोर हैं जबकि 5 कबाड़ी हैं जो चोरों से कम पैसों में बाइक खरीदा करते थे और उनके पार्ट को बेच दिया करते थे। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ पॉल इंडिया।